हाँ प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणाम क्या थे उसके बारे में आप लोग अध्ययन किए, और इसके बाद हम आगे चलेंगे अगले वीडियो में समाज में निर्धनता को दूर करने के क्या उपाय हैं, अर्थात किस तरह से समाज में निर्धनता को दूर किया जा सकता है। इसमें आप यहाँ देखेंगे कि भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे उपयोगी कारक हैं जिनको महत्वपूर्ण माना गया है, जिनमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कृषि की स्थिति में सुधार करना। समाज में आप यहाँ देखेंगे कि यह एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित मानी जाती है। इस रूप में अगर हम कृषि से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे तब समाज में निर्धनता को दूर किया जा सकता है। कृषि से संबंधित जैसे आप यहाँ देखेंगे कि भूमि की दशा को सुधारना, भूमि की दशा को सुधारना, सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उत्तम बीज, उर्वरक, खाद और कृषि औजारों की व्यवस्था करना, और इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि बहुत से कृषि से संबंधित और भी आवश्यक यंत्र हैं जिनका उपयोग करना, समुचित मात्रा में उपयोग करना ही कृषि की दशा को परिवर्तन किया जा सकता है। अगर उन सभी आवश्यक यंत्रों का सही मात्रा में उपभोग किया जाए, उनकी पर्याप्त आवश्यकता की व्यवस्था किया जाए, तब समाज में कृषि की दशा को उन्नत बनाया जा सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम निर्धनता को दूर करने के उपाय के रूप में कृषि की दशा को उन्नत बनाना मान सकते हैं। इसके द्वारा समाज में निर्धनता को दूर किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने इन सुविधाओं के द्वारा अधिक से अधिक अर्जन कर सकेगा तो निश्चित रूप में अपनी दशा को सुधार सकेगा। खाद की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, अच्छी उत्तम प्रकार की बीज की व्यवस्था हो, ये बहुत से ऐसे साधन हैं जिनकी व्यवस्था करने के उपरांत समाज में निर्धन व्यक्तियों की दशा को सुधारा जा सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यह पहला कारक है कृषि की दशा को उन्नत बनाना। इसके बाद दूसरी दशा आप मान सकेंगे कि अशिक्षा को दूर करना। समाज में जब व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करेगा तब वह अपने अंदर अनेक प्रकार के गुणों का अर्जन कर सकेगा, अनेक प्रकार की योग्यताओं को वह हासिल कर सकेगा। जब व्यक्ति शिक्षा के द्वारा योग्यता को हासिल करेगा तब वह कहीं भी जाएगा उसको अच्छा रोजगार मिल सकेगा। आप यहाँ देखेंगे कि किसी भी कंपनी में जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनको अच्छा रोजगार मिलता है, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको निम्न दर्जे का रोजगार मिलता है। जब निम्न दर्जे का रोजगार मिलेगा तो उसके द्वारा जो उनको पारिश्रमिक मिलता है वह पर्याप्त नहीं होता है। परिणाम यह होता है कि उसके द्वारा वे अपनी जीविका सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति शिक्षित रहेंगे तो अच्छी योग्यता हासिल कर सकेंगे, और जब अच्छी योग्यता हासिल कर सकेंगे तो कहीं भी जाएंगे उनको अच्छा रोजगार मिलेगा, और जब अच्छा रोजगार मिलेगा तो उनको जो अर्जन मिलता है वह अर्जन पर्याप्त रूप में रहेगा और उसके द्वारा वे अपनी दशा को सुधार सकेंगे। तो यहाँ हम कह सकेंगे कि व्यक्तियों को शिक्षित करना, अर्थात समाज में जो अशिक्षा की व्यवस्था है वो अशिक्षा की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, सभी व्यक्तियों को शिक्षित किया जाए, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनको शिक्षित करने पर बल दिया जाए, अर्थात जो शिक्षण संस्थाएं हैं
उनको अधिक मात्रा में निर्मित किया जाए ताकि समाज के अधिकतर व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सकें और अपनी दशा को सुधार सकें। इसके बाद आगे हम कहेंगे निर्धनता को दूर करने के उपाय के रूप में एक कारक यह भी है कि व्यक्तियों के अंदर बचत की आदत को बढ़ावा देना। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने मेहनत के द्वारा जो अर्जन किए रहते हैं उनको अनावश्यक रूप में समाप्त कर देते हैं, यानी कि वे अनेक प्रकार की गलत आदतों को बढ़ावा देते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है और उसके द्वारा अपनी जो भी संपत्ति है, जो भी उनके पास अर्जन हुआ रहता है, उसको वे समाप्त कर देते हैं। तो इस रूप में यहाँ ये कहा जा सकता है कि व्यक्तियों के अंदर बचत की आदत का होना, जब व्यक्तियों के अंदर बचत की आदत होगी तो वे फिजूल खर्ची अर्थात जो अनावश्यक खर्च कर रहे हैं उन पर रोक लग सकती है, तो इसके द्वारा भी उनकी दशा बेहतर बन सकती है, अर्थात निर्धनता को अपने से दूर कर सकते हैं और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला उपयोगी कारक यह है निर्धनता को दूर करने का कि स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाना, स्वास्थ्य स्तर को अच्छा रखना। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने स्वास्थ्य पर खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, परिणाम यह होता है कि वे भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। एक से एक जो भी भयंकर बीमारियां होती हैं वे उनका पीछा करती हैं और वे उनको अपने चंगुल में ले लेते हैं, परिणाम स्वरूप वे उन बीमारियों से ग्रसित होकर के कमजोर हो जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता घट जाती है और किसी भी तरह से कार्य करने के योग्य नहीं रह पाते हैं, परिणाम यह होता है कि उनका अर्जन बाधित हो जाता है, किसी भी तरह से वे अर्जन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमको ये देखना है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य स्तर को सुधारना होगा। जब स्वास्थ्य स्तर सुधारेगा तो उसके अंदर कार्य क्षमता बनी रहेगी और जब कार्य क्षमता बनी रहेगी तब वह किसी भी तरह से अर्जन करता रहेगा तो अपनी स्थिति को वह सुदृढ़ कर सकता है। तो आप यहाँ कहेंगे कि निर्धनता को दूर करने का यह भी एक उपाय है कि वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखे, अर्थात अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देता रहे। इसके बाद हम ये कहेंगे कि समाज में जो निर्धनता है उसको दूर करने के लिए अगला उपाय यह है कि उद्योग धंधों का विकास करना, यानी कि इसमें आप यहाँ देखेंगे कि समाज में सरकार को यह चाहिए कि औद्योगिक जो भी मशीनें हैं, वस्तुएं हैं, उद्योग धंधे हैं, उनको अधिक से अधिक विकसित किया जाए। समाज में औद्योगिक मशीनें, पूंजी से संबंधित वस्तुएं, उद्योग धंधों को अधिक से अधिक मात्रा में विकसित करना, इसके द्वारा समाज में व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और इसके द्वारा वे अपनी स्थिति को सुधार सकेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि उद्योग धंधों को विकसित करके या कंपनी कारखानों को अधिक से अधिक विकसित करके समाज में व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है और परिणाम यह होगा कि व्यक्तियों के अंदर जो बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है वह स्थिति दूर हो सकेगी और वे व्यक्ति रोजगार प्राप्त करके अपनी स्थिति को सुधार सकेंगे। तो अधिक से अधिक उद्योग धंधे, कंपनी कारखानों की का निर्माण करके समाज में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है और व्यक्तियों की निर्धनता को दूर किया जा सकता है। इसके बाद निर्धनता का अगला कारण यह है, ये निर्धनता को दूर करने का अगला कारण यह है कि समाज में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको परिवर्तित किया जाए, अर्थात सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन करना। जैसे सामाजिक संस्थाएं किन किन रूपों में हैं, जैसे विवाह संस्था, दहेज प्रथा, जाति प्रथा,
अंधविश्वास और कर्मकांड ये अनेक रूपों में हैं जो समाज को प्रभावित करती रहती हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें चलेंगे सामाजिक संस्था में विवाह संस्था। विवाह संस्था समाज में यह एक ऐसी संस्था है जो प्रायः यह देखा जाता है कि समाज में जैसे संयुक्त परिवार व्यवस्था जहां पर है उस परिवार में कम आयु में ही व्यक्तियों बालकों का विवाह संपन्न कर दिया जाता है। वे बालक अपने कर्तव्यों और दायित्वों से परिचित नहीं हो पाते हैं और उनको वैवाहिक संबंधों से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ भी इसको भी निर्धनता का एक मूल कारण है। जब इसकी दशा में सुधार लाया जाएगा तब वे व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझेंगे और उसके अनुसार कार्य करते हुए अपनी दशा में सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि विवाह संस्था रूपी व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। इसके बाद दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को समाज में एक दानव के रूप में देखा जाता है। दहेज दानव ये समाज पूरी समाज व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया है। जो भी व्यक्ति समाज में है दहेज दानव से पूरी तरह से प्रभावित है। अर्थात बहुत से व्यक्ति दहेज दानव को लेकर के अपने को आत्महत्या की स्थिति में भी ला देते हैं। तो इसमें भी एक परिवर्तन लाया जाना चाहिए। दहेज दानव को समाज से हटाया जा सके तब समाज को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि समाज में जाति व्यवस्था भी समाज के व्यक्तियों को प्रभावित कर चुकी है। समाज में समाज व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस जाति से जुड़े हैं उसी जाति से संबंधित जो व्यवसाय है उस व्यवसाय को अपनाना है। यह समाज की एक व्यवस्था है। भले ही वह व्यक्ति उस जाति व्यवस्था में निपुण न हो उस जाति व्यवस्था से संबंधित जो व्यवसाय है उस व्यवसाय से निपुण न हो लेकिन उसको अपनाना है। यह जाति व्यवस्था की एक बाध्यता है नियम है। तो इस कारण से वह व्यक्ति उस व्यवसाय को न चाहते हुए अपनाता है। भले ही उस व्यवसाय में निपुण न हो फिर भी उसको वह अपनाता है। परिणाम यह होता है कि उसकी दशा दयनीय बनी रहती है। वह अपनी दशा को सुधार नहीं पाता है। तो यहाँ हम यह कहेंगे कि जाति व्यवस्था से संबंधित जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को भी हटाया जाए। तो इस कारण से भी समाज को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है। समाज में निर्धनता को दूर किया जा सकता है। इसके बाद सामाजिक संस्थाओं में बहुत से अंधविश्वासों को भी लिया जाता है। बहुत से कर्म कांडों को भी लिया जाता है जिसके आधार पर व्यक्ति समाज के उसको अपनाते अंधविश्वासों को और अंधविश्वासों पर विश्वास करके अपनी जो भी उनके पास संपत्ति है उन संपत्ति को उसके पीछे समाप्त कर देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि समाज से जो अंधविश्वास है उनको समाप्त किया जाए। जो विविध रूप में अनावश्यक कर्म कांड है जो कि समय समय पर व्यक्ति उसको संपादित करता है उसको भी समाज से हटाया जाए तब समाज में निर्धनता को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि समाज में ये सभी ऐसे कारक थे जिसके द्वारा सामाजिक निर्धनता को दूर किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। धन्यवाद।